अच्छी खासी ऊंचाई पे जा रहे हैं हम लोग, तो पीछे जिप लाइन और रॉकेट बंचिंग थी, तो जिप लाइन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो नहीं किए, और रॉकेट बंचिंग अभी जस्ट खाना खाए हम लोग तो इसलिए नहीं किए, क्योंकि उसमें हाइट के ऊपर उछलना पड़ता है वो रॉकेट के जैसे, ऊपर नीचे जाता जाता है तो सारा खाना मुँह के बल निकल जाता। तो आगे हम लोग ये देखिए पहाड़ों के ऊपर बसा खूबसूरत सा गाँव, अब देखते हैं नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी कौन सी आती है। अच्छी रही और बारिश में करने लायक रही तो करेंगे इसको, फिलहाल मौसम बारिश के कारण। देखिए कितना खूबसूरत से बसा है यहाँ पे पहाड़ के ऊपर गांव, वाह व्हाट अ वंडरफुल ट्रीज। देख लो ये खूबसूरती पहाड़ का टीला, और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं अभी, और ऊंचाई पे वो जाते ही जा रहे हैं, तो बादल भी करीब लग रहे हैं हमें। कलरफुल ब्रिज, और देख लो हम अभी भी ऊपर जा रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच से निकलती हुई छोटी सी नदी, इसी तरह पहाड़ों के बीच से छोटे छोटे पानी के फव्वारे निकलते हैं, और ये जाके बाद में बड़ी नदी का रूप लेती है, शायद यहाँ व्यास नदी बहती है, तो व्यास नदी पहाड़ों पे सारा पानी जमा होकर नदियों के अंदर चला जाता है। यहाँ सोलांग वैली का रिजॉर्ट शिमला, आँखों से मनोरम नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और हम लोग अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बीच में इलेक्ट्रिसिटी देख लो किस तरह से पहुँचाया गया ऊपर तक, पहाड़ों में जीवन जीना थोड़ा कठिन होता है मैदानी भागों की तुलना में, यहाँ पे जनजीवन अलग अलग तरह की होती है, मौसम हमेशा मौसम में नमी बनी रहती है, खेती बहुत कम होते हैं, लेकिन फल जो है सेब संतरे अनार ये सब इधर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। और हम लोग देख लो अभी भी चल रहे हैं पचलान गांव, जहाँ सोलांग वैली स्थित है, मनाली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इधर,